भगवानपुरा जनपद के ग्राम भगियापुर में करीब एक माह पूर्व आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। बुधवार को मृतक की पत्नी सहित परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां एक सुसाइड नोट प्रस्तुत करते हुए स्थानीय युवक पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। एएसपी ने मामले में जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिलाया। एसपी ऑफिस पहुंची कुसुम एवं रिश्तेदारों गोपी दरियाओ कालू प्रकाश आदि ने बताया कि उनके पति किशोर मंडलोई सेल्समैन होकर 1 जुलाई 2022 को आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में उन्हें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उनके पति ने साफ लिखा है कि गांव का बिहारी लाल मांगीलाल कलाल निवासी भगियापुर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है और मेरे से ₹30,000 की बार बार मांग कर रहा है और पत्रकार होने का डर बताता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मामला कहाँ से आप लोग शिकायत कर रहे हैं एसपी ऑफिस में? भगियापुर से है ये। एसपी ऑफिस में आए आवेदन देने हम, ये बिहारी मालवा के नाम से। ये बहुत दिनों से मेरे पापा को परेशान करता था और बार बार पैसे की मांग करता था और बहुत तकलीफ़ देता था। मेरे पापा ने 1 महीने से खाना पीना छोड़ दिया था, इसके कारण मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली और फांसी लगा। कहाँ पापा काम करते थे आप? ये सेल्समैन थे। क्या नाम था उनका? किशोर मंडलोई। मतलब आत्महत्या क्यों की गई? ये पत्रकार बार बार परेशान कर रहा था। अब क्या मांग करी आपने? हमको कार्रवाई चाहिए आगे इसकी। कितने दिन पहले घटना आई? एक महीना हो गया। क्या नाम है आपका? चंदन मंडलोई। कुसुम भाई। किस लिए आए यहाँ पर? यहाँ आवेदन देने आए हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला बिहारी मालवे बहुत परेशान कर रहे थे बहुत दिन से, एक महीने से परेशान कर रहे थे। मेरे आदमी रोटी पानी भी छोड़ दी थी और इस कारण मेरे आदमी ने फांसी लगा दी बिहारी मालवे के नाम से। सुसाइड भी लिख गए। कहाँ काम करते थे तुम्हारे पति? समिति में करते थे। क्या किस चीज को लेके आए? ये मृत्यु मेरे पति फांसी लग गए को समिति वाला मामला? हाँ, समिति वाला मामला। कारण क्या रहा? कारण ये बिहारी मालवे बहुत परेशान कर रहे थे। पत्रकार है वो। कौन? बिहारी मालवे। नई दुनिया। क्या करा उसने? बहुत तंग कर रहे थे मेरे आदमी को। बहुत कई दिन से, 1 महीने से रोटी पानी भी नहीं खा रहे थे और कई दिन से नाराज रहते थे। पर इस वाले आए थे इनका कहना 1 महीने से, मतलब इनके पति की डेट हो गई थी विगत 1 महीने पहले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी शिकायत भी की आपको, क्या है मामला पूरा? थाना भगवानपुरा के अंतर्गत एक ग्राम है भगियापुर, वहाँ पर 1 जुलाई को एक व्यक्ति किशोर मंडोई द्वारा जो है आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर से मर्ग दर्ज किया गया थाने पर और उसके इंक्वायरी की जा रही है। उसमें उसकी मृत्यु के लगभग 3-4 दिन बाद एक सुसाइड नोट प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक स्थानीय पत्रकार है व्यक्ति है उसकी शिकायत की गई कि उसके द्वारा जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। किंतु इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो सुसाइड नोट है उसका परीक्षण करवाने के अभी निर्देश दिए गए हैं और उसमें जो उसकी हैंडराइटिंग थी उसके भी रजिस्टर वगैरह जब्त किए हैं। उसकी टोटल मिलान होने के बाद इसमें समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।